गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये मिथिलांचल का एक ऐसा जगह है, ये देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है उगना हॉल्ट। नाम ही कुछ अजीब आपको लग रहा होगा, चलिए इसके बारे में मैं बताता हूँ उगना हॉल्ट आखिर क्या। ये भवानीपुर आप लोगों ने सुना होगा, मिथिलांचल का भोला बाबा का स्थान भवानीपुर मंदिर, यहाँ पे शिव जी का जो है सो शिवलिंग है, यहाँ पे लोग पूजा करते हैं, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे उगना उन्हीं के नाम से ये हॉल्ट। और अभी कोरोना में जो है सो कोई भी गाड़ी यहाँ पे नहीं रुकती है, इसका अभी क्या है ना वो तो पैसेंजर गाड़ी सब नहीं चलती, इस कारण से नहीं होता। तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अभी मैं इस लोकेशन पे आया हूँ कुछ आपको फुटेज दिखाने के पर्पज़ से। तो देखिए पूरा सुनसान लोकेशन है, पहले मैं आया करता था इस लोकेशन पे आज से 2-4 साल पहले घूमने फिरने के लिए दोस्तों के साथ। तो अभी मैं फिर इधर से गुजरा हूँ, कुछ काम से गया था। देखिए ये उगना हॉल्ट कहाँ गया इसका बोर्ड है, हाँ यहाँ देखिए उगना हॉल्ट का बोर्ड लगा हुआ है। और ये बहुत ही इसके बारे में मैं तो बताया हूँ, ये एक महादेव का मंदिर है, यहाँ से करीब 500 मीटर के दायरे के सामने है भवानीपुर उगना महादेव मंदिर। तो उन्हीं के नाम से ये हॉल्ट है, पूरा हॉल्ट सुनसान है। देखिए मैं तो अपना बाइक घुसा दिया हूँ, मेरा बाइक वो लगा हुआ है। तो बहुत अच्छा लोकेशन है, कभी आइएगा ना इधर, देखिए घूमने फिरने वाला जगह सब, पूरा पेड़ सब आप देखिए कैसे कैसे पेड़ सब। तो फाइनली यहाँ आइए, वैसे नहीं यदि कभी आप घूमने के पर्पज़ से आ गए यहाँ पर ज़रूर आइएगा। देख रहे हैं हम सुनसान हो कैसे करके जाएंगे। तो उगना हॉल्ट पे रुके ना, तो सोचिए एक वीडियो बना देते हैं आप तक पहुँच जाए। देखिए उगना हॉल्ट अभी भी बोर्ड लगा हुआ है, ट्रेन चालू होगा जो पैसेंजर गाड़ी हो ना वही रुकता है यहाँ पे, ठीक है, और छोटी मोटी गाड़ी नहीं रुकती है, जैसे मालगाड़ी वगैरह वो सब तो रुकेगी ही नहीं। जैसे पैसेंजर एक रुकता है 9 बजे वाली पैसेंजर, वो अभी कोरोना में नहीं चल रहा है। देखिए पहले क्या था, इलेक्ट्रिक वाला नहीं था, देखिए जैसे तो इलेक्ट्रिक वाला हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे सारा इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ। तो जिन लोगों ने अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मैं यहाँ से निकलूँगा, उसका फुटेज देख लीजिए, उसके बाद